ओम शांति। सुनते हैं आज के प्रश्न उत्तर सेशन। सबसे पहले अंबाला से शालू बहन पूछती हैं, ओम शांति, मैं बहुत उदास रहती हूँ क्योंकि मेरा वजन कम नहीं हो रहा। भूखा रहकर भी मेरा वजन कम नहीं हुआ। मैं बीके चैनल को बहुत फॉलो करती हूँ, कृपया कोई उपाय बताएं प्लीज़। शालू बहन, आप उदास बिल्कुल ना रहें। हाँ, वजन कम नहीं हो रहा, लेकिन आपकी अगर और कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा वजन है, तो आप खुश रहें, क्योंकि वजन कम ना होने का भी टेंशन टेंशन ठीक नहीं है। हमने बहुत से लोग देखे हैं जिनका वजन है, लेकिन सदा खुश रहते हैं, खूब एनर्जेटिक हैं, खूब ईश्वरीय सेवा करते हैं। तो मनुष्य को एनर्जेटिक होना चाहिए, इसलिए आप सदा प्रसन्न रहें। तो एक बार अंबाला में ही ब्रजमोहन भाई जी आए थे, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। मैं कहा, भाई साहब, मैं बहुत डाइटिंग भी करता हूँ, लेकिन मेरा वेट 90+ रहता है, तो क्या करूं? यही प्रश्न मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा, चिंता मत कर, मेरा 100+ रहता है, लेकिन मनुष्य को एनर्जेटिक होना चाहिए। और सचमुच बिजमन भाई दिन रात ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, और उसी का रिजल्ट वो अक्सर सब प्रकार की व्याधि से मुक्त रहते हैं, और टूरिंग भी करते हैं, सब कुछ सेवा करते रहते हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। कईयों का वजन कम है, लेकिन चिड़चिड़े बहुत रहते हैं, और उन्हें कईयों का मैंने देखा वजन कम है, खाना पीना भी वो जो है खूब खाते हैं, फिर भी वजन कम है, उसके बावजूद भी, लेकिन उन्हें बात बात पे गुस्सा आता और अन्य विकारों को भी नहीं विजय कर पाते। बात है विकारों पर विजय प्राप्त करने की। और रही बिल्कुल भूखा नहीं मरे, आप कुछ ना कुछ खाएं, मेडिकल एडवाइज अनुसार चले। अच्छा तो ये डॉक्टर श्रीमंत साहू जो माउंट आबू में है, वो डाइट प्लान जो देते हैं, एक बार एक वर्ष बिल्कुल उनके अनुसार डाइट प्लान फॉलो करके देखें। वो बिल्कुल खाना भी बंद नहीं करते, लेकिन वो डाइट प्लान जो देते हैं उसके अनुसार खाएंगे तो उसमें वजन कुछ कम होगा। और फिर भी ना हो तो डोंट वरी, क्योंकि हमने कई डॉक्टरों को इस बारे में कई बार कंसल्ट किया, तो हमें लास्ट रिजल्ट ये निकला, जो व्यक्ति डाइटिंग भी करते, सब कुछ करते, और फिर भी वजन नहीं कम होता, तो एक्चुअली कुछ बॉडी कल्चर ऐसा है। कईयों का बिल्कुल थोड़ा सा खाना खाते एकदम वेट कैच करती है बॉडी, और कईयों का कितना भी खा लो इतना नहीं कैच करती। तो इसलिए डोंट वरी, निश्चिंत रहें। आप एक्सरसाइज करें, वॉकिंग भी करें, और भोजन पे पूरा कंट्रोल रखें, और किसी मेडिकल एडवाइज अनुसार डाइटिंग ले में, और लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं रखें, सदा खुश रहें, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं और खुशी जैसी बात नहीं, सबसे मेन चीज तो खुशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई घर के सदस्य पर तंत्र मंत्र कर दे तो उसे कैसे दूर करें, और कैसे पता चलेगा कि तंत्र मंत्र किया हुआ है? अगर पता ही नहीं लगता कि तंत्र मंत्र किया हुआ है, तो जन तो विश्वास रखे नहीं किया हुआ, फिर डाउट नहीं करें, फिर इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि तंत्र मंत्र के चक्कर में जाने वाले फंसते ही जाते हैं लगातार। और रही बात अगर तंत्र मंत्र किया है उसको भी दूर करने का, शिव बाबा ने जो उपाय बताया है, सबसे मुख्य के आप शक्तिशाली याद करें, और किसी पर घर के मेंबर पे आपको लगता ही है प्रभाव, तो कोशिश करें उसको योग का सहयोग दें, शक्तिशाली योग का सहयोग दें। घर के बाकी मेंबर चारों ओर बैठ के उसे बिठा के बीच में बहुत पावरफुल योग करें, करंट दें,
क्लास में भी कोशिश करें सेंटर पे दीदी की सलाह से कुछ एक भाई बहनों को बिठा के उनको योग का सहयोग चाहिए, उससे उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता जैन जी पूछ रही है, मेरा पति मेरी कोई भी बात नहीं मानते, चाहे कितना भी सच और सही हो, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। उनके भाई और भाभी उनको झूठ बोलना सिखाते हैं। वे मुझ पर बहुत चिल्लाते हैं, मारते भी हैं और कहते हैं रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। मुझे सेंटर पर जाने से भी रोकते हैं, मैं क्या करूं प्लीज मुझे बताएं। कविता बहन, आपने अपने पति के बारे बताया कि वो कोई भी बात नहीं मानते, कितनी भी सच सही हो, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, और भाई भाभी भी झूठ बोलना, चलो झूठ बोलें, उसमें क्या है, जो बात आप भी समझ जाएंगी, परख जाएंगी और मुस्कुरा दें, समझ लें इनकी नेचर है। इसलिए उनमें जो बात चाहे झूठ भी बोली हो, जो बात मानने वाली हो वो माने, और जो बिल्कुल ही ना मानने वाली हो तो उसमें फिर ध्यान रखें, परख लें, परखने की शक्ति है, मुस्कुरा दें। तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति का स्वतः ही लोग विश्वास छोड़ देते हैं ऑटोमेटिकली, उनको फिर उनकी बात पे कोई इतना गौर अपना आप कम हो जाता है। लेकिन आप जितना कोऑपरेट, सही बात आपको जो लगती हो करें, और प्यार से, लेकिन आप कोऑपरेट करके शुभ भावनाएं जरूर देती रहें, बाबा इस आत्मा को बहुत गुड विशेष देते रहें। और रही बात चिल्लाते हैं तो उससे तो उन्हीं की एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो आपको टेंशन क्या है, आप प्रसन्न रहें, कितना भी वो चिल्लाते रहें आप प्रसन्न रहें, वो तो उन्हें सजा मिल रही। रह गए मारते भी हैं, वो गलत है, वो जरूर कुछ बड़े लोगों को कहना चाहिए, अपने परिवार के या उनके परिवार के मिलके समझाएं कि हाथ नहीं उठाना है। तो एक ये विशेष ध्यान रखें, रहा सेंटर पे जाने से भी रोकते हैं, उन्हें प्यार से समझाएं, अच्छी तरफ जाती हूँ, और वो जाते रहिए प्यार से, क्योंकि वैसे भी वो ना जाएं तो भी आपको अगर बोलते ही रहते हैं तो कोई बात नहीं, दो बोल और सुनने में, लेकिन सहन शक्ति को बढ़ाएं, इसको एंजॉय करें, कोई बात नहीं, बाबा मेरी सहन शक्ति बढ़ा रहा है, मुझे एक चांस दिया है, थैंक्स बाबा, आप मेरी सहन शक्ति बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा बहन पूछ रही हैं, अगर पिता की छोटी छोटी बात पर टोकने से बेटा चिढ़ता हो, इरिटेट होता हो, आमने सामने बैठना भी पसंद ना करे, तो ऐसे में दोनों के संबंध मधुर हो जाए, उसके लिए किस तरह का योग लगाना चाहिए? योग तो राजयोग ही है, कोई विशेष अलग टाइप का योग नहीं है, उस या राजयोग का ही अभ्यास करना चाहिए। तो बेटा छोटी छोटी बात पे टोकने से चिढ़ता है तो टोकना बंद कर देना चाहिए, अप्रिशिएट ज़्यादा करें, वाह बेटा ये बहुत अच्छी बात, वाह बेटा, और फिर कभी कभी अगर बेटा ये भी थोड़ा सा ऐड करें, फिर कभी कभी शिक्षा देंगे, बात बात पे टोकेंगे तो जरूर चिढ़ेगा, तो हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, अप्रिशिएट मोर एंड गिव लेसन लेस। और दूसरा है कि आमने सामने बैठना भी पसंद ना करे, वो तब तक नहीं करता जब तक उन्हें ये पता है हर वक्त टोका टाकी, जब आप अप्रिशिएट करेंगे, प्यार से गिफ्ट देंगे, शाबाश उसे खूब देंगे, फिर वो जरूर कभी कभी आपके सामने आमने बैठेगा, और बहुत उसे अच्छा लगेगा जब उसे पता होगा इनकी हर वक्त मेरे लिए गुड विशेज हैं। इसलिए ये तरीका है संबंध मधुर बनाने का, आप 3-4 बार दिन में उसे अप्रिशिएट करें किसी ना किसी बात पे, उसकी विशेषता पे, और योग राजयोग ही है, राजयोग के द्वारा बहुत सुंदर उसको किरणें देवें, उससे प्यारे बाबा की गोद में अनुभव करें, गोद में बाबा का बच्चा बन के बाबा की गोद में बैठा है ऐसा अनुभव करें, तो अवश्य एक दिन वो बाबा का मीठा बच्चा बन ही जाएगा आपके इन शुभ भावनाओं